कई बार हालात इहो जिहे बन जाते हैं कि लोग मजबूर हो के इस दुनिया नूं छड्ड देना ही बेहतर समझते हैं, पर हर एक मुसीबत का हर एक समस्या का कोई ना कोई हल हुंदा है। जेकर रहिंदे समय पुरानियां गल्लां छोटियां मोटियां गल्लां नूं सुलझा लिया जाए तो हालात इन्ने बिगड़ते नहीं कि किसी नूं इस दुनिया छड्डण की गल सोचनी भी पवे। एक दुखद घटना सामने आई है जिथे मासूम बच्चियां दे नाल माँ दे वल्लों नहर दे विच छाल मारी गई। उह बच्चे जिस तों माँ अपनी जिंद जान वारदी सी, नहीं पता सी कि कदे एहो जहे हालात बन जाणगे कि उना दी जान अपने समेत खत्म करन दी नौबत आ जावेगी। दोवां बच्चियां दी जान जा चुकी है जदों कि औरत इस दे विच बच गई है। हुण उस माँ दा की हाल होना है जो कि अपने बच्चियां तो विहूणी भी हो गई अते हालात बद तो बदतर हो गए। हुशियारपुर दे अधीन पैंदे मुकेरियां तो यह खबर सामने आ रही है जिथे माँ समेत दो तियां नहर दे विच सन। चार महीने दी नीरू अते पांच साला भूमिका नहर दे विच डुब्बण कारण इस दुनिया तो चल वसे। दोहां दियां मृतक देहां बरामद कर लईआं गईआं ने। दस दिए कि मां नूं लोकां दे वल्लों बचा लिया गया सी, पर हुण उह अपने आप नूं किंज समझावेगी, अपने बच्चियां तो बिना किंज जिएगी, इह सोच के भी डर लगदा है। गंभीर हालत विच इस मां नूं हस्पताल विखे भर्ती करवाया गया। पुलिस दे वल्लों जांच पड़ताल शुरू कर दिती गई है। दस दिए कि इस औरत की पछाण सपना देवी दो वजो हुई जो कि पिंड सिंगोवाल की रहने वाली है। उसका पति जतिंदर सिंह विदेश दे विच रहिंदा है। सपना ने अपनी दो तियां समेत पिंड बंबोवाल नेड़े वगदी मुकेरियां हाइडल नहर दे विच इन्हां नूं कढ़िया गया सी। हालांकि अजे तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि औरत दे वल्लों अजिहा क्यों किया गया। फिलहाल उसका पति विदेश दे विच है ते उसनूं इस गल की सूचना पहुँच चुकी है। उसके परिवारिक मैंबरों तो पुछगिछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि टीम उसके घर भी गई है पर हुण उत्थे कोई भी नहीं मिलिया। फिलहाल इस पूरी घटना के पिछे का कारण की है स्पष्ट नहीं हो पाया। औरत की स्थिति जदों इस हालत तक पहुँचेगी कि वह कोई बयान दर्ज करवा सके, उस तो बाद ही कुछ पता लगेगा, क्यों जो उसके घर परिवार के विच भी कोई नहीं मिलिया, घर बंद भी लिया ते इधर औरत ठीक नहीं है। दोवें बच्चे इस दुनिया तो चले गए अते उसका पति जो विदेश के विच है उसके राही ही कुछ खुल के बाहर आ सकता है। अज तो कुछ साल पहला भी यहो जही ही मंदभागी खबर आई सी जिथे एक औरत अते उसके बच्चे की जान चली गई सी अते परिवारिक मैंबर ने इसके पिछे का कारण उसके सहुरे परिवार को दसिया सी। जी मेरा नाम है जी जसविंदर सिंह, ठीक है जी। ये बहुत परेशान करते मेरी बेटी नू, बहुत ज़्यादा परेशान करते सी। सहुरा सस बड़े परेशान करते सी। पहला मंग रखी इन्होंने दाज दी, सर मैं दाज देता, गड्डी भर के मैं दाज जी रह गया, उन्हें घर छड़िया, ठीक है। कहता फिर बाद पाला कहता मैं दवाई मेरा कहता मैं बाहर जाना मैं तो मैंने 5 लाख रुपया लै गया अपने प्यो दे कोल। मैं गरीब बंदा जी मैं दे नहीं सकता। फिर मैं किसी दे कोल 2 लाख रुपया लिया तो मैं फिर इनू दिता। फिर भी मैंने इन्हें बहुत गंदे शब्द बोले है, देखो मैं 5 मंगया तू मैं 2 दिता। अगर मैं 2 लाख रुपया देता मेरी धी ने इन्हें मार दी। लास्ट तरीक 30 तरीक हुई है सर 9:30। मेरी बेटी जी मेरी बेटी कहती डैडी जी मैं बहुत परेशान है, डैडी जी मैं बहुत परेशान, मैं बहुत दुखी है इन्हों तो, मैनू मारदा सहुरा मेरे गल पैंदा, बहुत मेरा हरकत मारिया करता वे, डैडी जी मैनू बचा ला। तेरे क्या नाम तो मिली सी जिसकी पहचान बलबीर कौर के नाम से हुई सी, जिसकी कल मिसिंग रिपोर्ट थाना मुकेरियां विच रजिस्टर हुई सी। उस दे नाल एक बच्चा भी सीगा 4 साल का जिसका नाम एकनूर है, तक मिली नहीं है। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਲੀਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।